हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिल्पी और आप देख रहे हैं द इट्सी बिट्सी मॉम। आज के डीआईवाई वीडियो में हम बनाएंगे कुछ होली के डीआईवाईज, क्योंकि होली बस आने ही वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला डीआईवाई। जो हमारा पहला डीआईवाई है वो एक होली हैम्पर है, या फिर होली कार्ट बोल सकते हैं। इसको मैंने पुराने कार्डबोर्ड बॉक्स को यूज़ करके बनाया है। सबसे पहले मैंने मोल्डेड क्ले के एक बॉक्स को, एम्प्टी बॉक्स को लिया और उसके चारों कॉर्नर्स में से, चारों साइड्स में से इस तरह के कटआउट्स कर लिए। देन मैंने मास्किंग टेप लिया और जो एजेस हैं उनको सिक्योर कर दिया अच्छी तरह से। देन मैंने ये कार्डबोर्ड बॉक्स को थोड़ा और स्ट्रेंथ देने के लिए टिश्यू पेपर के पीसेस को फेविकॉल और वाटर के मिक्सचर में डिप करके पूरे कार्डबोर्ड बॉक्स में लगा दिया, जिससे क्या होगा ना, इससे ये कार्डबोर्ड बॉक्स को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा। और फिर अच्छी तरह से सब कॉर्नर्स में मैंने टिश्यू पेपर को लगा दिया और फिर इसे अच्छी तरह से ड्राई होने के लिए रख दूंगी। जब तक हमारा ये बॉक्स ड्राई हो रहा है, हम बाकी सारी तैयारियां कर लेते हैं। इस कार्ड को बनाने के लिए हमें एक इस तरह के कार्डबोर्ड के पीस भी चाहिए, जिसके ऊपर मैं ये बॉक्स को फिक्स करूँगी। तो इस कार्डबोर्ड पीस के भी चारों तरफ को मैंने मास्किंग टेप से कवर कर दिया। अब हमारा बॉक्स पूरी तरह से ड्राई हो गया है तो हम इसे पेंट करेंगे। अब होली है तो थोड़ा वाइब्रेंट कलर्स तो चाहिए ही, तो मैंने बॉक्स को येल्लो एक्रेलिक कलर से पेंट कर दिया, क्योंकि येलो कलर बहुत ही अच्छा दिखता है और सारे इंडियन फेस्टिवल्स में मोस्टली येलो, ऑरेंज, यही सब कलर्स का यूज़ होता है। और ये जो बेस कार्डबोर्ड है इसको मैंने ऑरेंज एक्रेलिक कलर से पेंट कर दिया। अब अच्छी तरह से पेंट हो जाने के बाद हम इन दोनों को फिक्स करेंगे। जो कार्डबोर्ड के पीस है उसके ऊपर मैं इस बॉक्स को फिक्स कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ हॉट ग्लू। अब हमारे ठेले का बेसिक स्ट्रक्चर बन गया है। इस ठेले को और थोड़ा स्ट्रेंथ देने के लिए मैं ये कार्डबोर्ड बॉक्स के चारों तरफ इस तरह के आइसक्रीम स्टिक्स को लगाऊंगी। इससे हमारे जो ठेला है या फिर कार्ट है इसको बहुत अच्छा स्ट्रेंथ मिलेगा और एकदम मजबूत भी रहेगा। तो इस तरह से मैं हर तरफ से आइसक्रीम स्टिक को लगा दूंगी। अब आइसक्रीम स्टिक लगाने के बाद हम इस तरह का रिबन लेंगे और ऊपर वाले पोर्शन में स्टिक कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से चारों कॉर्नर, चारों तरफ से मैं इस रिबन को लगा दूंगी विद द हेल्प ऑफ हॉट ग्लू। तो ये हमारे कार्ट का ऊपर का पोर्शन बन गया है। अब हमें व्हील्स बनाने हैं, तो उसके लिए भी मैंने कार्डबोर्ड से इस तरह के चार सर्कल कट कर लिए और फिर रिबन को लगा दूंगी एजेस में और फिर रिबन से और इस तरह से कुछ डेकोरेट कर दूंगी हमारे व्हील्स को। ये देखिए, इस तरह से मैंने चारों व्हील बना लिए। अब हम इस कार्ट को उल्टा कर देंगे और उसके चारों कॉर्नर में चारों व्हील्स को फिक्स कर दूंगी। अब ये हमारा कार्ट ऑलमोस्ट रेडी है। अब बस हमें और थोड़ी सी डेकोरेशन करनी है, क्योंकि होली है
और इंडियन फेस्टिवल है तो कलर्स एंड डेकोरेशन तो मस्ट है। तो हम और थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिबन्स लेंगे और फिर इस कार्ड को डेकोरेट कर देंगे। और हमारा ये कार्ड एकदम सज धज कर तैयार हो गया होली के लिए। और देखिए कितना वाइब्रेंट और सुंदर सा लग रहा है। लग ही नहीं रहा है कि इसे हमने वेस्ट कार्डबोर्ड बॉक्स से बनाया है। इसमें आप कलर्स को रखिए और किसी भी कॉर्नर में रखिए, ये बहुत ही अच्छा वाला लुक देगा। तो कैसा लग रहा है हमारा कार्ड? तो चलिए अब हम हमारे सेकेंड DIY की तरफ जाते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा DIY है, बट आप बिलीव कीजिए ये DIY जब भी आप बनाएंगे और अपने घर को इससे सजाएंगे तो आपके जो भी गेस्ट है या मेहमान आएंगे वो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं जा सकते। और ये DIY का सबसे अच्छी बात यह है कि ये एकदम इको फ्रेंडली है, एकदम सिंपल वे में बनता है और एकदम एक इंडियन फेस्टिव लुक को उभार कर लाता है। तो चलिए हम बनाते हैं केले के पत्तों से बाउल। जो कटोरे बनाएंगे उसको हम केले के पत्ते से बनाएंगे। ये देखिए हम इस तरह के एक स्क्वायर शेप का केले के पत्ते का कटआउट ले लेंगे और जस्ट ये सिंपल कटिंग करके हम इस बाउल को बनाएंगे। ये हमने दोनों साइड से कटआउट कर दिया और इस तरह से फोल्ड कर देंगे और फिर उनसे हम टूथपिक की मदद से फिक्स कर देंगे। मुझे पर्सनली इंडियन फेस्टिवल, चाहे वो होली दिवाली हो या फिर जन्माष्टमी हो, केले के पत्ते या आम के पत्ते से सजाना बहुत अच्छा लगता है। और इन कटोरों में मैं फूलों को रखूंगी या फिर आप चाहे तो रंगों को भी रख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप इसमें मिठाई, गुजिया या फिर नमकीन भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि केले के पत्ते हैं और उस केले के पत्ते में खाने को सर्व करने का हमारे यहाँ कई सदियों से रिवाज है। तो हम इजीली इन कटोरों में खाने को सर्व कर सकते हैं और मुझे लगता है कि खाने का स्वाद ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम उसे केले के पत्तों में सर्व करते हैं। हमारे यहाँ पूजा जब होती है तो भगवान को भी हम केले के पत्तों में ही भोग चढ़ाते हैं। तो इसलिए इस होली मैं इन केले के पत्तों से अपने घर पत्तों के बनाए हुए कटोरे का बहुत यूज़ करने वाली हूँ और होप करती हूँ आपको भी ये आइडिया अच्छा लगेगा और आप भी अपने घर में इन्हें बनाएंगे और इस होली इनका यूज़ करेंगे। तो कैसे लगे ये होली के ये दो DIYs मुझे ज़रूर बताइएगा। और भी कुछ DIYs है जो जल्द ही मैं आपके साथ एक दो दिन में शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए और ढेर सारे DIYs बनाइए क्योंकि होली है। अब होली है तो खुशियाँ मनाइए और अपने घरों को सजाइए और बहुत सारे DIYs बनाइए और मेरे वीडियोस को ज़रूर देखिए, क्योंकि आप देखोगे तभी तो मुझे एनकरेजमेंट मिलेगी और भी नए नए DIYs करने का। तो चलिए फिर मिलती हूँ कुछ नए इंटरेस्टिंग से DIYs के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।